हजरत वाला मौजूद ने, मैं हजरत वाला की मौजूदगी गल करके ताकि हजरत की भी ताई साढ़े नाल होगी और आप मजीद अपना पैगाम ही दूसर तक पहुँचा गए कि पूरे पाकिस्तान के तकरीबन चार तो पांच जगह ऐसा सन जिथे दस बारह बंद ने जुलूस कटिया कल्या चार चार जगह पूरे पाकिस्तान मुख्तलिफ जगह उन्होंने जलूस जो कटे तो उन्होंने ढोल धमाके किए फिर उन्होंने बेहूदगी के डांस भी किए और फिर सोशल मीडिया से वीडियो अपलोड हो गई फिर पिछों नाता ला दियां बारह रबीउल जलसे जुलूस दियां ते तूफान बदतमीजी मुखालफा ने खड़ा किया ए वेखो सुनिया नूं ए वेखो इस तरह जुलूस होंदा है कि ए नबी दा दीन है कि ए साहब ने काम किया जनाब दसना चाहते हैं कि साडे उलमा विचों किसी ने तईद की है साडे उलमा विचों किसी ने इस तरह का जुलूस कढ़ने का हुक्म दिया नहीं जिन्होंने बेहूदगी की है असा हजरत की मौजूदगी में उन्हां दी शदीद अल्फाज़े मुज़म्मत ये बिल्कुल जायज नहीं है और जिन्होंने किया है शदीद अल्फाज़े मुज़म्मत करने हैं और जेड़े जेड़े इलाके जो है उन्होंने उस इलाके के उलमा नूं भी अपील करने हैं इन्हां दे खिलाफ शदीद एहतजाज किया जाए और थानियां दे अंदर इन्हां दे खिलाफ परचा तैयार कराई जाए और इन्हां नूं जेलां दे विच बंद किया जाए और दूसरी गल अज तुहानूं पता है तूफान बदतमीजी पैदा हो चुकी है कि लोगों ने कुड़ियां ने भी टिकटॉक स्टार बना लिया मुंडिया ने भी बना के टिकटॉक उन्हां दा कोई दीन ईमान नाल ताल्लुक नहीं जिथों वेख्या जिहड़ा वीडियो अपलोड जल्दी होएगी जो वायरल होएगी उठे आ जाते हैं और उन्होंने भी नाता ला के तो उन्होंने साड़ी तरह मनसूख किया इन्हों कमीनिया का और इन्हों बदतमीजा का साडे अहले सुन्नत नाल कोई ताल्लुक नहीं जेड़ा इसके मुतबा में डुब के एक काम करता है वह साडा यार और अगली गल अपनी गल को खत्म कर दिया ये भी दस छड़ा जेडे कह रहे नहीं जी नहीं तुम फिर ये इनकार कर छड़ दियो तुम कहते हो अहले सुन्नत का ताल्लुक नहीं तुम सारे बैठे हो ये पैगाम ला के जाओ याद रखो अमल भी जरूरी है अमल तो ज्यादा अकीदा बचाना जरूरी है अमल भी जरूरी है अमल तो ज्यादा अकीदा जरूरी है और मुजद्दद अल-फैसानी आ फरमाते हैं इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फैसानी फरमा लोगो अमल में कोताही हो तो बख्शिश की उम्मीद है अगर अकीदे में कोताही हो खराबी हो तो बख्शिश की उम्मीद ही अल्लामा प्रोफेसर जवेद नवाज़ नूरी साहब बैठे ने बड़े बड़े उलमा इतने मौजूद ने मैं इन्हों की मौजूदगी गल करना चाहना तुम कहेंगे जल से जलूस बंद कर छोड़ो क्यों ये बेहूदगी हो असी इसकी मुरम्मत करने लेकिन असं थोड़े को पूछने तुम दसो अगर किसी के नक से मक्खी पवे मक्खी उड़ाओगे कि नक उड़ाओगे बोलो थोड़े पास की रिवाज है मक्खी उड़ाओगे ना नक नहीं उड़ाओगे मस्जिद कुत्ता आ जाए कुत्ता कटोगे कि मस्जिद गिराओगे बोलो तो सही यार कुत्ता कटोगे कि मस्जिद गिराओगे और कुत्ता कटोगे यही तो सब तुम समझाना चाहते हैं कि सीधे नक से मक्खी पवे तो नक नहीं मक्खी उड़ावे अगर कुत्ता मस्जिद जाए मस्जिद नहीं गिरावे कुत्ते कटा के अगर किसी जगह से किसी ने बेहूदगी की है असं उसकी मुजम्मत करने हैं लेकिन याद रख लो सुनिया का कदों तक एक बच्चा भी जिंदा है उसके जिस्म में रूह बाकी है और खून का कतरा बाकी है ये चल से भी हो गए चल लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे दिया करके लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक हश्र तक डालेंगे हम पैदाश मौला की धूम मिसल फारस नजद के कल्ले की रातें जाएंगे खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना के जाएंगे अब बिला ताकी हजरत वाला का खिताब शुरू हो रहा है एक जोरदार नारे से हजरत का इस्तकबाल कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि सर जमीन लियाकत तौर पर भी आस्ताने रसूल मौजूद है और इंशाल्लाह अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक नामूस रिसालत पर पहरा देते रहेंगे नारे तकबीर नारे रिसालत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या